वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान, गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है 1 किलोवाट में कितने एम्पियर होते हैं। दोस्तों वैसे तो एक बेसिक सा सवाल है, लेकिन हमारे कुछ कमेंट आ रहे थे कि हमको वाट से एम्पियर निकालने के लिए बताओ, कोई वीडियो बनाओ। तो इसीलिए मैं छोटे से वीडियो में आज हम जानेंगे कि हमको किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालने हैं, चाहे दोस्तों हमारी कोई सिंगल फेज सप्लाई हो चाहे 3 फेज सप्लाई हो। दोस्तों ये निकालने के लिए ना बहुत ही ज्यादा आसान है। दोस्तों जब 1 किलोवाट की बात हो रही है कि 1 किलोवाट से हमको एम्पियर निकालने हैं कि एम्पियर कितने होते हैं, तो सबसे पहले एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारा इंडक्टिव लोड है या हमारा रेजिस्टिव लोड है। दोस्तों लोड वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं वो 2 होते हैं, तो इंडक्टिव लोड और एक रेजिस्टिव लोड, और एक होता है कैपेसिटिव लोड। दोस्तों कैपेसिटिव लोड कुछ होता नहीं है, इस पे हम बनाते हैं, यानी कि कैपेसिटर बैंक बनाकर हम उसके क्या करते हैं, कैपेसिटर ऐड करके हम कैपेसिटर लोड को बनाते हैं खुद से। इसका कोई लोड होता नहीं है, जैसे हमारा रेजिस्टिव लोड होता है, जितनी भी लाइट्स वगैरह आती है, हमारी लाइट्स हो गई, हमारे हीटर हो गए, दोस्तों ये सब किस में आते हैं, हमारे रेजिस्टिव लोड में आते हैं। और जिनमें कोयल होती है दोस्तों, कोयल होती है जिनमें कोयल या हमारी वाइंडिंग की गई होती है, तो दोस्तों वो आते हैं हमारे सब किस में, इंडक्टिव लोड में। जैसे दोस्तों हमारा मोटर हो गई, किसी भी टाइप की जो मोटर होती है वो हमारे इंडक्टिव लोड में आती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन सा लोड है 1 किलोवाट, जिसके हमको एम्पियर पता करने हैं। दोस्तों ऐसा क्योंकि इंडक्टिव लोड और रजिस्टिव लोड पता होना चाहिए, तो ये बहुत ही जरूरी है। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इंडक्टिव लोड और रजिस्टिव लोड में क्या अंतर होता है। इन दोनों के एम्पियर में भी अंतर आएगा कि एम्पियर अलग अलग लेगा। अगर 1 किलोवाट इंडक्टिव लोड है तो वो ज्यादा एम्पियर लेगा, और 1 किलोवाट रजिस्टिव लोड है तो वो थोड़ा एम्पियर लेगा हमारे इंडक्टिव के कंपेरिजन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे सिंगल फेज का। हमारा 1 किलोवाट है सिंगल फेज, तो सिंगल फेज में जो वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, वोल्टेज होते हैं 220 वोल्टेज। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 240 तक भी हो सकते हैं, और 180 तक भी आ सकते हैं, यानी कि ये कम ज्यादा होते रहते हैं। आप चेक करके भी, यानी कि जो आपका लोड है आप चेक कर सकते हैं, आप कितने लोड जो है वो कितने वोल्टेज का है, यानी कितने वोल्टेज ले रहा है। तो दोस्तों वोल्टेज हो गए 220। अभी हमने बात की थी हमारा इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड। तो दोस्तों अगर हमारा इंडक्टिव लोड है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर इंडक्टिव लोड है तो उसका पावर फैक्टर आपको 0.8 या 0.7 देखने को मिलेगा आपके इंडक्टिव लोड पे। अगर मोटर है आपका इंडक्टिव लोड में, यानी कि जिसमें कोयल वाइंडिंग होती है, तो उससे क्या वो आते हैं हमारे इंडक्टिव लोड में। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड जो होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो या तो आपको 0.8, 0.7 ऐसे देखने को मिलेगा। अगर हमारा रजिस्टिव लोड होगा तो रजिस्टिव लोड का जो कैपेसिटी वो होता है दोस्तों, पावर फैक्टर होता है वो होता है 1, यानी कि यूनिटी। तो दोस्तों ये अंतर है इन दोनों में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि आखिर अगर हमारा रजिस्टिव लोड है 1 किलोवाट, तो उसके एम्पियर कितने होंगे। तो दोस्तों सिंपल है, हमारा 1 किलोवाट है, तो इसके लिए एम्पियर के लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल। यहां पे एम्पियर इक्वल टू किलोवाट इनटू 1000। दोस्तों 1000 इसलिए लगा रहे हैं कि किलोवाट में हमारी वैल्यू है, यहां पे लिखेंगे हम वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारा रजिस्टिव लोड के लिए पहले। तो दोस्तों हमारा किलोवाट कितना है, 1 है, इनटू 1000 जो हमारे फॉर्मूले में है। तो इस वोल्टेज कितने हैं, 220 वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर हमारा क्या है, यूनिटी होता है। रजिस्टिव लोड के लिए हम पहले निकाल ले हैं। तो दोस्तों अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आ गया 1000 का 1000, और जब इसको हम इनटू करेंगे 220 इनटू 220, यानी कि हमारी 220 का 220 आ गया। अब बात आती है दोस्तों, जब हम 220 से इसको भाग देंगे, 1000 को भाग देंगे, तो हमारा आएगा 4.54 एम्पियर। दोस्तों कितना, यानी कि ये हमारा आ गया रजिस्टिव लोड के लिए। अगर हमारा रजिस्टिव लोड है तो उसके लिए कितना आ गया, 4.54 एम्पियर। और वही बात करें अगर हमारा इंडक्टिव लोड होगा जिसका पावर फैक्टर 0.8 है, तो उसके 1 किलोवाट में कितने एम्पियर होंगे, तो ये भी निकाल लेते हैं। एम्पियर इजगल टू हमारा 1 किलोवाट है इंटू 1000 है, और इसके बटे बाई 220 इंटू पावर फैक्टर कितना होता है हमारे इंडक्टिव लोड का, जो मैंने अभी आपको बताया था 0.8। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा यहां पर आएगा 1000, और बटे में आएगा 176, यानी 176। और जब हम इसको 176 को 76 से 1000 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 5.68। तो वैल्यू आ गई दोस्तों, हमारे एम्पियर आ गए कितने, 5.68 एम्पियर। दोस्तों ये आ गए हमारे जो हमारा इंडक्टिव लोड है। तो दोस्तों ये आ गए हमारे जो हमारा इंडक्टिव लोड है। तो दोस्तों ये अंतर आ गया, जो मैंने अभी आपको बताया था, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटी रजिस्टिव लोड, सॉरी दोस्तों, रजिस्टिव लोड में आपको सिर्फ क्या करना है, जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी 1 लेना है, और इंडक्टिव लोड में आपको 0.8 या 0.7 जो भी आपका इंडक्टिव लोड है उसका पावर फैक्टर उस पे लिखा होता है, आप उतना ले सकते हैं। अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप स्टैंडर्ड साइज ले सकते हो, जो 0.8 होता है अक्सर मोटर का। तो हमारा क्वेश्चन था कि 1 किलोवाट में कितने एम्पियर होते हैं, तो आंसर आया है अगर हमारा जो हमारा लोड है अगर वो इंडक्टिव लोड है तो उसका जो आंसर है वो 5.6 एम्पियर है, अगर रजिस्टिव लोड है तो उसका आंसर है 5.54 वो एम्पियर है। यानी कि अगर हमारा रजिस्टिव लोड 1 किलोवाट है तो उसके एम्पियर होंगे इतने, 4.54, और अगर हमारा इंडक्टिव लोड है 1 किलोवाट तो उसके एम्पियर होंगे 5.68। अब बात देख लेते हैं 3 फेज का कैसे निकालते हैं।
हमारे कितने हैं 1 किलो वाट। दोस्तों थ्री फेज में हमारे वोल्टेज कितने होते हैं? दोस्तों वोल्टेज होते हैं 415 वोल्टेज। तो दोस्तों वोल्टेज हमको पता लग गया 415। अब हमको पता होना चाहिए कि आखिर हमारा थ्री फेज का फॉर्मूला क्या होता है एम्पियर निकालने का। वो होता है एम्पियर इक्वल टू किलो वाट इंटू 1000 और डिवाइड बाई वोल्टेज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और इंटू पावर फैक्टर। दोस्तों पावर फैक्टर यहां भी दो तरह से होगा। अगर हमारा इंडक्टिव लोड है तो पावर फैक्टर होगा 0.8, अगर हमारा रजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर होगा 1 यूनिटी। यानी कि तो पहले हम यूनिटी से निकालेंगे यानी रजिस्टिव लोड से निकालेंगे। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, एम्पीयर इक्वल टू किलोवाट हमारा 1 है इंटू 1000 हमारे फॉर्मूले में है और वोल्टेज है 415 वोल्टेज जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं थ्री फेज में, और अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 इंटू हमारा पावर फैक्टर 0.8। पहले हम निकाल ले हैं इंडक्टिव लोड जो हमारा मोटर यानी कि हमारा इंडक्टिव लोड होता है जिसमें कोयल वगैरह हो, मोटर जैसे मोटर हो गया इस तरीके से। तो 1000 का 1000 हो गया दोस्तों। जब हम इसको भाग देंगे 415 इंटू 1.732 और इंटू 0.8 तो इसकी वैल्यू निकलकर आएगी दोस्तों 575.024। तो दोस्तों ये 575 आ गया। 575 को 575 से 1000 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.73 एम्पियर। यानी कि ये इतना अंतर आएगा बस, यानी कि इतना एम्पियर आ गया हमारा इंडक्टिव लोड जो हमारा पावर फैक्टर 0.8 है तो इंडक्टिव लोड है। आप समझ जाइए कितना एम्पियर आया, 1.73। अगर वही बात करें हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है, हमारा क्या है रजिस्टिव लोड है। तो रजिस्टिव लोड के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर 0.8 की जगह सिर्फ 1 लगाएंगे। अभी हम निकालते हैं 1 × 1000 और इसके बटे में 415 वोल्टेज है इंटू 1.732 हमारा ये वैल्यू है और सिर्फ 0.8 की जगह क्या लगाना है 1 लगाना है। अब निकालते हैं हम इसको, हमारा आएगा 1000 डिवाइड बाई आएगा इसके 718.78। जब हम 718.78 से 1000 को भाग देंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी 1.39 एम्पियर। यानी कि हमारा इतना एम्पियर होगा रजिस्टिव लोड का। दोस्तों किस चीज का है ये इतना एम्पियर लोड, ये हमारे 1 किलोवाट का है। 1 किलोवाट का थ्री फेज में अगर रजिस्टिव लोड है तो इतने एम्पियर, अगर कैपेसिटिव लोड है तो इतने एम्पियर। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।